बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ सेंसेशन एंड परसेप्शन। दिस इज़ फोर्थ चैप्टर ऑफ योर बुक एंड इट्स अबाउट फाइव सेंसेशंस, इन फैक्ट सिक्स सेंसेशंस विच वी पोजेस एंड वी हैव टू कम अप विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ sense organs related to each sensation. So what is sensation? Sensation is a stimulation of sensory receptors and the transmission of sensory information to the central nervous system. अब तक जो है वो आप लोगों को receptors के बारे में पता चल चुका होगा. Receptors is a word which is derived from reception, किसी भी चीज़ को receive करना, pick करना, लेना. तो रिसेप्टर जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड दे गेट स्टिमुलेटेड वेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन एनवायरनमेंट. सो द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी सेंसरी रिसेप्टर्स का एक्टिव होना एंड द ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन मीन्स भेजना, किसी भी चीज़ को आगे भेजना. ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. तो हमारे सेंस ऑर्गन्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जब स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये अपनी उस स्टिमुलेशन या जो भी उनकी अंदर चेंज आता है उसको भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. वहाँ पर जो है वो उसको फील किया जाता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेंसेशन. परसेप्शन अभी हम नहीं पढ़ रहे, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. देयर आर फाइव मेन सेंसेस. विजन यानी देखना, और इसका सेंस ऑर्गन है आई, आँखें. हियरिंग सुनना यानी कान, इनके सेंस ऑर्गन हैं. स्मेल सूंघना, नाक से सूंघते हैं हम. टेस्ट यानी जायका, इसको गस्टेटरी सेंसेशन भी कहते हैं, और ये हमारी ज़ुबान या टंग से होता है. एंड टच. टच जो है वो उसके फोर तरह, टच जो है वो फोर स्टिमुलेशन तरह से हम महसूस करते हैं. हॉट, कोल्ड और प्रेशर एंड पेन, ये चार तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारी टच, सेंस ऑफ टच से रिलेटेड हैं. और विच इज़ सेंस ऑर्गन जो है सबसे बड़ा हमारी बॉडी का, वो हमारी स्किन है जो कि टच का सेंस ऑर्गन है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन विच इज़ रिटन इन योर बुक. तो सेंसेशन जो है वो इट मेक्स अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स शेपिंग बिहेवियर एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो मैं आपको बता रही हूँ एक सेंटेंस, दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन विच इज़ रिटन इन योर बुक. सेंसेशन इज़ अ सिंपल प्रोसेस इन विच सेंस ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. सेंस ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. स्टिमुली प्लूरल है स्टिमुलस का. अभी मैं बताती हूँ आपको इसकी डेफिनेशन भी. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो कि हमारे सेंस ऑर्गन को मुतासर करती है, अफेक्ट करती है, दैट इज़ अ स्टिमुलस. और मोर देन वन स्टिमुलस मीन इज कॉल्ड स्टिमुली. सो सेंसेशन इज़ अ सिंपल प्रोसेस इन विच सेंस ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम. जो इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के बारे में कलेक्ट करते हैं उसको वो भेजते हैं नर्वस सिस्टम में. नर्वस सिस्टम अगर ठीक काम ना कर रहा हो तो सेंसेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम उसको महसूस ही नहीं कर सकते. लाइक अगर आपको याद होगा, ऑक्सीपिटल लोब जो कि ब्रेन का बैक वाला हिस्सा होता है जो कि हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, अगर ये फंक्शन ना कर रही हो तो दोनों आँखें ठीक होने के बावजूद हमें नज़र नहीं आएगा. तो नर्वस सिस्टम के बगैर जो है वो कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता. तो ये इसकी डेफिनेशन है. नाउ द व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सेंसेशन. द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी सेंस ऑर्गन इज स्टिमुलस. इनफैक्ट इट इज़ नॉट अ यूनिट बट द बेसिक प्री रिक्विजिट. स्टिमुलस जो है वो होगा तो ही सेंसेशन होगी, वरना सेंसेशन नहीं हो सकती. अगर लाइट नहीं है तो नज़र नहीं आएगा, साउंड वेव्स नहीं है तो सुनाई नहीं देगा. तो ईच सेंस ऑर्गन हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक स्टिमुलस. हर सेंस ऑर्गन जो है उसका अपना ही एक स्टिमुलस होता है. इफ़ वन स्टिमुलस एक्ट्स ऑन अ सेंस ऑर्गन, इट मेक्स नो इम्पैक्ट ऑन द अदर. फॉर एग्जाम्पल, लाइट वेव्स एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द आइज,
and sound waves for the ear. So sound waves will be useless for eyes and light waves will be useless for sound for ears. अगर रोशनी पड़ेगी तो कान काम नहीं करेंगे कानों पर, और आंखों पर अगर आवाज़ आएगी तो आंखें काम नहीं करेंगी. आंखें हमेशा रोशनी को ही रीड कर सकती हैं, उसको ही महसूस कर सकती हैं. उसका स्पेसिफिक स्टिमुलस है ही लाइट, और ईयर्स जो हैं वो साउंड वेव्स को ही रजिस्टर कर सकते हैं, और लाइट हो या कोई भी और चीज़ हो वो उसको नहीं कर सकते. तो नाउ व्हाट इज़ अ स्टिमुलस, ये अब डेफिनेशन जो मैं आपको बता रही हूँ ये डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलस है. अ स्टिमुलस इज़ द फिजिकल फोर्स that affects internal or external sense organs and triggers off response. यानी ऐसी force जो कि physical force यानी उसकी existence होती है, मौजूद होती है, वो हमें internally या externally हमारे sense organs को affect करती है, उनके ऊपर असरअंदाज होती है, and triggers off response यानी उससे जो reaction या response है वो पैदा होता है. trigger का मतलब होता है तेज़ी से पैदा करना, तो trigger होता है. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलस. अब सेंसेशन जो है वो और ऑर्गेनिजम्स में भी है. अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंसेस बट देयर लेवल ऑफ सेंसिटिविटी इज़ डिफरेंट. लाइक जो कुछ एनिमल्स में जो है वो विजुअल सेंसेशन ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा होती है, जैसे ईगल एंड वल्चर, ये दो उकाब और गिद्ध, बहुत तेज़ इनकी नज़र होती है. Hearing and smell are far keener in dogs. Dogs जो हैं वो सुनने की और smell की sensation बहुत sharp होती है उनकी, और इन इसी तरह से बहुत सारे और जो sensation है, जैसे reptiles जो हैं उनकी skin sensation बड़ी fast sharp होती है, और लेकिन ये कि वो उनकी अपनी लाइफ स्टाइल और उनकी जो स्ट्रक्चर होता है उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने उनकी सेंसेशंस जो हैं उनको बनाया है, और वो जो उनकी एग्जिस्टेंस से मुतालिक होती है उसको जो है वो शार्प रखा गया है. नाउ दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन, एंड वी ऑल्सो हैव टू स्टडी a very brief introduction of characteristics of sensation. ये भी nature of sensation है, तो हमें characteristics भी पता होना चाहिए कि sensation जो है उसकी खसूसियात क्या हैं. तो यहाँ पर हम वो देखते हैं characteristics में, आपकी book में जो है वो six seven characteristics दी हुई हैं, तो उनको मैं briefly आपके सामने explain कर देती हूँ. तो पहली characteristic जो sensation की है वो है स्पेसिफिक स्टिमुलस. इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं. ईच टाइप ऑफ सेंसेशन इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन दैट रिएक्ट्स टू स्पेसिफिक स्टिमुली. हर सेंस जो सेंस है उसका एक अलग ऑर्गन है. लाइक विजन का के ऑर्गन्स जो हैं वो आइज़ हैं, हियरिंग के ऑर्गन्स ईयर हैं, दोनों कान हैं. तो आई लाइक आई फॉर साइट, ईयर फॉर हियरिंग, नोज फॉर स्मेलिंग एंड टंग फॉर टेस्ट आर द सेंस ऑर्गन्स. दे रिस्पॉन्ड ओनली टू द स्टिमुलस दैट इज स्पेसिफिक टू देम. अब जैसे पहले भी बता चुकी हूँ आपको मैं कि लाइट वेव्स आर द स्टिमुलस फॉर द आइज. दे विल डू नथिंग वेन दे आर सेंट टू द ईयर्स. अगर कानों में लाइट वेव्स डाली जाएँ और हम ये समझें कि इसे सुन लेंगे कान, तो नो, इट विल नॉट बी पॉसिबल. तो फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स एनेबल द आईज टू सी, वेयर एज साउंड वेव्स आर नॉट सूटेबल फॉर साइट. तो साउंड वेव्स आर सूटेबल फॉर ईयर्स टू हियर. तो इस तरह से हर जो सेंस ऑर्गन है उसका हर सेंस का एक स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन है, और हर सेंस ऑर्गन का एक स्पेसिफिक स्टिमुलस होता है, और वो उसी के अंडर ही जो है वो एक्टिव होता है. ये है इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन की. सेकंड वन इज़ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मींस शिद्दत. ईच सेंस ऑर्गन हैज़ द कैपेसिटी टू रिसीव एंड बेयर इट्स स्पेसिफिक स्टिमुलस. अब ये नहीं है कि हर सेंस ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड उसकी रेंज हो और वो जितनी भी शदीद स्टिमुलस हो उसको महसूस कर सके. तो वो जो है वो एक ख़ास हद तक, एक ख़ास एक्सटेंट तक, ईच सेंस ऑर्गन हैज़ द कैपेसिटी टू रिसीव एंड बेयर इट्स स्पेसिफिक स्टिमुलस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. एक ख़ास हद तक महसूस कर सकता है. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स फॉर ह्यूमन आई इज़
385 टू 760 मिली माइक्रोन पर मिलीमीटर। मिली माइक्रोन जो यूनिट है इल्यूमिनेशन की, लाइट को मेजर करने की जो यूनिट है दैट इज़ मिली माइक्रोन। तो जो लाइट 385 मिली माइक्रोन से कम होगी वो हमारी आंख नहीं देख सकती, और जो लाइट 760 मिली माइक्रोन से ऊपर होगी, जैसे इंफ्रा रेड रेज होती हैं, सॉरी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ये 760 मिली माइक्रोन से ज़्यादा होती हैं, एक्स रेज होती हैं, ये हमें नज़र नहीं आती क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी आँखें जो हैं वो इन दो, उनकी लिमिट ये है 385 मिली माइक्रोन टू 760 मिली माइक्रोन पर सेकेंड जो है वो उसको देख सकती हैं। द लाइट वेव्स ऑफ लोअर इंटेंसिटी देन दिस कैन नॉट स्टिमुलेट द आइज, यानी बहुत थोड़ी अगर लाइट होगी तो हमारी आइज काम नहीं करेंगी। वेयर एज हायर इंटेंसिटी कैन हार्म द आइज, ज़्यादा तेज़ जो रोशनी होती है वो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाती है और हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते। तो ये है इंटेंसिटी। थर्ड वन इज़ ड्यूरेशन, कि अरसा कितना होना चाहिए। आप देखें कि अगर कोई चीज़ एक सेकंड के लिए आपके सामने आए तो उसका एक इमेज आपके अंदर बनता है, फिर फौरन हट जाता है, आपको याद भी नहीं रहता। तो फॉर एवरी सेंसेशन टू मेक प्लेस इट इज़ नेसेसरी दैट द स्टिमुलस शुड एक्ट ऑन द सेंस ऑर्गन फॉर सम टाइम। वो सम टाइम जो है वो चंद सेकेंड्स एटलीस्ट होना चाहिए। तो वो ड्यूरेशन ज़रूरी है, अगर ड्यूरेशन बहुत कम होता है, मोमेंटरी होता है या लम्हाती तौर पर कोई चीज़ सामने आती है तो हम उसको महसूस नहीं कर सकते, बहुत तेज़ी के साथ जो चीज़ गुजर जाए। तो उसके बाद थ्रेशोल्ड स्पैन जो है वो भी ऑलमोस्ट ड्यूरेशन की तरह की ही चीज़ है, इसलिए इसको मैंने नहीं ऐड किया इसमें। थ्रेशोल्ड जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको अब आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एवरी सेंस ऑर्गन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय थ्रेशोल्ड विच रिलेट्स टू स्टिमुलेशन। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टिमुलस दैट कैन स्टिमुलेट अ सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। यानी किसी भी स्टिमुलस का वो कम से कम फोर्स या शिद्दत जो किसी सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर सके। जैसे अगर हम इंटेंसिटी वाली एग्जांपल में देखें तो 385 मिली माइक्रोन जो है वो लोअर थ्रेशोल्ड है, जिसको हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कह सकते हैं, यानी वो कम से कम फोर्स स्टिमुलस की या मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस जो कि सेंस ऑर्गन के ऊपर असर अंदाज होकर उसको काम करने पर मजबूर करता है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्ड्स, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, टर्मिनल थ्रेशोल्ड एंड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। तो इनको हम देख लेते हैं। What is absolute threshold? The lowest level of the stimulus that can provoke a sensory reaction will be absolute threshold. Provoke का मतलब होता है उभारना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। तो ऐसा वो सबसे कम stimulus की शिद्दत जो कि sensory sense organ में reaction पैदा करती है, which is called absolute threshold. If the intensity of the stimulus is lower than the एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, यानी 385 जो है ये हमारी आइज़ के लिए, 385 मिली माइक्रोन हमारी आइज़ के लिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। अगर लाइट की इल्यूमिनेशन या शिद्दत 385 मिली माइक्रोन से कम होगी, ह्यूमन सेंसेस विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इट। हमारी जो आँखें हैं वो उसको आइडेंटिफाई डिटेक्ट नहीं कर सकेंगी और रिएक्शन भी ज़ाहिर नहीं देंगी। द मूवमेंट ऑफ स्मॉल हैंड ऑफ अ वॉच इज़ नॉट डिटेक्टेड दो इट डज़ मूव। आप देखें घड़ी का जो सुइयों वाली घड़ी होती है, जिसके ऊपर जो है वो आर्म सुई बनी हुई होती है, उसमें जो घंटे वाली सुई होती है वो आपको उसकी हरकत नज़र नहीं आती। ऑल दो वो मूव करती है, ज़ाहिर है वो एक घंटे के बाद जब आगे जाती है तो मूव तो करती है, लेकिन उसकी मूवमेंट इतनी कम होती है कि हमारी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से कम होती है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट नोटिस्ड। इसी तरह से दो तीन और एग्जांपल आपकी बुक में है, उसको पढ़ लीजिएगा, ये एक मैंने आपको बता दिया। दूसरी टाइप है जी टर्मिनल थ्रेशोल्ड। टर्मिनल का मतलब होता है एंड। तो द मैक्सिमम लेवल ऑफ फिजिकल एनर्जी दैट सेंस ऑर्गन कैन बेयर इज कॉल्ड टर्मिनल थ्रेशोल्ड। कमिंग बैक टूवर्ड्स द रेंज ऑफ विजन, जिसमें आपको बताया था मैंने 385 टू 760 मिली माइक्रोन, तो 760 मिली माइक्रोन से ऊपर की जो लाइट होती है या वही 760 मिली माइक्रोन वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन
उसके ऊपर उसके बाद का जो होता है वो हम नहीं वो महसूस ही नहीं कर सकते. तो मैक्सिमम लेवल ऑफ फिजिकल एनर्जी दैट अ सेंस ऑर्गन कैन बियर इज कॉल्ड टर्मिनल थ्रेशोल्ड. तो आईज के हवाले से अगर हम देखें तो 760 मिली माइक्रॉन्स पर सेकेंड जो है पर मिलीमीटर जो है वो टर्मिनल थ्रेशोल्ड है, यानी शदीद तरीन है ये हमारी आँखों के लिए, लेकिन फिर भी हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं और रिएक्ट भी कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अपर लिमिट ऑफ अ स्टिमुलस. जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है वो लोअर लिमिट ऑफ स्टिमुलस है और टर्मिनल थ्रेशोल्ड इज़ द अपर लिमिट ऑफ द स्टिमुलस. इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस एक्सीड्स द अपर लिमिट इट कॉजेज पेन टू द सेंस ऑर्गन एंड सेंस ऑर्गन कैन नॉट डिटेक्ट इट. दैट्स वाई एक्सरे थ्रू दो एग्जिस्टेंट कैन नॉट बी सीन. तो अगर टर्मिनल थ्रेशोल्ड से किसी भी स्टिमुलस की इंटेंसिटी बढ़ जाए तो वो पेनफुल होती है आँखों के लिए हमारी, जिस भी सेंस ऑर्गन के हवाले से हो वो उसके लिए डैमेजिंग हो सकती है. और ये भी होता है कि वो इतनी ज़्यादा होती है उसकी शिद्दत, जैसे एक्सरेज हैं और बड़ी हार्मफुल होती हैं ये माइक्रोवेव वेव्स जो होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं जो वो, और इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सारी ऐसी रेज हैं जो 760 मिली माइक्रोन पर मिलीमीटर से बहुत ज़्यादा होती हैं. दैट्स वाई वी कैन नॉट डिटेक्ट और वी कैन नॉट सी देम और वी कैन नॉट रिएक्ट देम. तो ये जो है ये टर्मिनल थ्रेशोल्ड है. एंड थर्ड वन इज़ द डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड. अब ये आपकी बुक में बाद में अगला पेज में बताऊँगी आपको. अभी यहाँ पर देखें एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए आप. The weakest amount of a stimulus that a person can distinguish from no stimulus at all, 50% of the time. यानी सबसे कम अमाउंट जो कि इंडिविजुअल जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, 100 दफ़ा अगर दिखाया 50 दफ़ा उसको महसूस कर लेता है तो दैट इज़ द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. लाइक विजन में उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, कैंडल फ्लेम व्यूड फ्रॉम अबाउट 30 माइल्स ऑन अ क्लियर डार्क नाइट. ये जो है ये अभी आगे भी आएगा इसमें आपकी बुक में सेंसरी एक्विटी के हवाले से भी. तो ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है. हियरिंग के हवाले से अ वॉच टिकिंग फ्रॉम अबाउट 20 फीट अवे इन अ क्वाइट रूम. जो सुई की आवाज़ होती है जब वो चलती है सेकंड वाली, तो एक बहुत खामोश कमरे में तो हमें 20 फीट दूर से भी उसकी आवाज़ टिक टिक हम महसूस कर सकते हैं. तो दिस इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड शार्पनेस ऑफ सेंस. उसके बाद टर्मिनल आपको मैंने बता दिया. और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड क्या है? द मिनिमम डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ टू स्टिमुली रिक्वायर्ड टू टेल देम अपार्ट 50% ऑफ द टाइम. दो स्टिमुली जो है हमें हर वक्त एक स्टिमुलस तो नहीं हम महसूस कर रहे होते, एक से ज़्यादा स्टिमुली हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होते हैं. तो उन दोनों के दरमियान वो डिफरेंस कम से कम जिसको हम फील कर सकें, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल एनर्जी वेयर बाय टू स्टिमुली कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इज कॉल्ड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड. दो साउंड्स हों, अगर दो साउंड्स जो हैं वो साइड बाय साइड एक जैसी साउंड्स अगर आपके सामने इकट्ठी प्रोड्यूस की जाएं तो आपको वो एक ही लगेगी, लेकिन लाइक दो बांसुरियाँ बज रही हों एक ही पिच के ऊपर एक ही तरीके से तो आपको वो एक लगेगी. लेकिन अगर एक बांसुरी हो और एक जो है वो कोई और ऑर्गन हो जो उससे मिलता जुलता तो हो लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, पियानो और बांसुरी दोनों में डिफरेंस है, वो आप उनको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि ये आवाज़ बांसुरी की है और ये पियानो की है. तो ये इस चीज़ को कहते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड. यानी दो डिफरेंसेस, दो स्टिमुली के दरमियान वो डिफरेंस कम से कम जो आप फील कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड. और ये आगे इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी हुई हैं, इसको आपने पढ़ लेना है. उसके बाद जी अडेप्टेशन. अडेप्टेशन जो है, अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के मुताबिक हो जाना, ढल जाना. एवरी सेंस ऑर्गन हैज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द सिचुएशन. जो भी सूरत हाल होती है उसमें हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक नई जगह पर जाते हैं, शुरू में हमें मुश्किल पेश आती है लेकिन हम अपने आप को जब उसके मुताबिक कर लेते हैं उस सिचुएशन के, तो हम जो है वो कंफर्टेबल होकर रहना शुरू कर देते हैं. दो एग्जांपल्स इसकी दी हुई हैं. एक तो है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल इन ब्राइट लाइट. जब आप तेज़ रोशनी में जाते हैं तो आपकी आँखें जो हैं वो आपकी आँखों का एक जो दरमियान का जो सुराख होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है.
जो आपकी आँख का जो छोटा डॉट होता है, एक तो बड़ी आईबॉल होती है, उसके दरमियान में एक छोटा डॉट होता है, तेज़ रोशनी में वो बहुत छोटा हो जाता है। और इट्स डायलेशन इन डार्कनेस, डायलेट का मतलब होता है फैल जाना। जब हम डार्कनेस में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, तो आँख के अंदर का जो छोटा डॉट होता है वो बड़ा हो जाता है। और इसके लिए कभी आप कैट्स आपके घर में होगी, बिल्ली, उसको ज़रा चेक करें, सुबह के वक्त आप उस बिल्ली को देखेंगे तो उसकी आई के दरमियान में जो एक लाइन होती है, एक लाइन सीधी लाइन होती है ऊपर से नीचे, वो एक बिल्कुल हेयर लाइन की तरह ही होती है, बारीक सा एक लकीर सी लगती है। लेकिन अगर उसी बिल्ली को आप रात को देखेंगे तो उसकी आई का जो सेंट्रल डार्क पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा दायरा लगता है। आप करके देखिएगा ये क्या है, ये प्यूपल साइज़ जो है तेज़ रोशनी में इसलिए श्रिंक हो जाता है ताकि हम जो है उसको किसी भी जो लाइट होती है उसको, पूरी लाइट को जो है वो आँख के अंदर ना जाने दे और उसको अंदरूनी पार्ट्स को डैमेज ना करे। और अंधेरे में इसलिए आई बॉल या प्यूपल बड़ी हो जाती है ताकि जितनी भी मैक्सिमम अवेलेबल लाइट है वो आँख के अंदर जाकर इमेज बना सके। तो ये है अडेप्टेशन, यानी रोशनी की कमी और बेशी के मुताबिक आई की जो प्यूपल है वो अपना साइज़ चेंज करती है, एडजस्ट करती है, अडेप्ट करती है। इसी तरह से स्किन के हवाले से अगर देखें, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन सबक्यूटेनियस स्किन ड्यूरिंग विंटर, जब विंटर्स होते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो सबक्यूटेनियस यानी नीचे वाली वेंस के निचले लेवल पर चला जाता है, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड कैन बी रिमेंड कॉन्स्टेंट। बहुत सर्दी में अगर वो बाहर की तरफ होगा तो ठंडा हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारी बॉडी ठंडी होना शुरू हो जाएगी। तो दैट्स वाई नेचर की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है कि वो चीज़ जो ब्लड जो है वो हमारा सर्दियों में सबक्यूटेनियस लेवल पर चला जाता है, सर्कुलेट करता है, एंड इन एपिडर्मिस ड्यूरिंग समर सो दैट द बैलेंस इन टेम्परेचर में भी मेंटेन्ड। एपिडर्मिस कहते हैं जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, तो समर्स में ब्लड जो है वो एपिडर्मिस में ज़्यादा होता है, इसलिए कि ताकि जो है वो जो उसकी बाहर का जो माहौल है वो उसके मुताबिक चलता रहे और बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर अंदर वाले हिस्से जो हैं उनको हॉट ना कर दे। अगर वो बाहर की गर्मी से गर्म होके ज़्यादा अंदर जाएगा तो इंटरनल ऑर्गन्स को हॉट करेगा। तो ये दो, ये अडेप्टेशन क्या है, टेम्परेचर के मुताबिक जो है वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसेशन इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन, दैट एवरी सेंस ऑर्गन हैज़ एबिलिटी टू अडेप्ट टू द सिचुएशन। तो सारी सेंसेशन जो है वो उसको अडेप्ट कर लेती हैं। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक है जी हमारी सेंसेशन की, विजुअल सेंसरी इक्विटी। इक्विटी कहते हैं शार्पनेस को, तेज़ी को। तो ह्यूमन सेंसेशन इज़ अ वेरी सेंसिटिव सिस्टम, बहुत माइन्यूट चीज़ें जो हैं वो हम फील कर लेते हैं। तो द वीकेस्ट डिटेक्टेबल स्टिमुलस फॉर विजन इज़ द कैंडल फ्लेम दैट कैन बी सीन एट 30 miles ऑन अ डार्क क्लियर नाइट। 30 miles काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो यानी यहाँ से लेकर जो है वो अहमदपुर ईस्ट तक का जो डिस्टेंस, आई थिंक दैट इज़ 30 miles, वहाँ अगर एक लाइट चल रही हो कैंडल तो एक क्लियर नाइट को हमें वो वहाँ से नज़र आ सकती है। द वीकेस्ट स्टिमुलस फॉर ऑडिशन, ऑडिशन मीन्स हियरिंग, सुनना, इज़ द टिक ऑफ अ वॉच दैट कैन बी हर्ड एट 20 feet अंडर क्वाइट कंडीशंस। 20 feet दूर जो घड़ी की टिक टिक होती है वो हमें आजकल जैसे विंटर्स हैं तो कभी आप महसूस करें रात को बिल्कुल जब खामोशी होती है, अभी इस वक्त जब इर्द गिर्द और आवाज़ें होती हैं तो वो हमें नहीं सुनाई देती, लेकिन क्वाइट नाइट जो है कंडीशंस में आपको एक टिक टिक की जो आवाज़ है वो 20 फुट दूर से भी नज़र महसूस सुनाई देती है। तो ये क्या है, ये शार्पनेस ऑफ सेंसेस है। जिस तरह से बहुत फासले से भी हम चीज़ों की जो सेपरेशंस होती हैं वो देख सकते हैं, और जैसे अगर अभी कभी आई साइट चेक करवाने जाएं तो आपका सामने जो चार्ट लगा हुआ होता है वो कुछ फासले से जो है वो डॉक्टर आपको कहते हैं कि इसको पढ़कर बताएं, तो दैट इज़ एक्चुअली चेक ऑफ योर विजुअल एक्विटी, आपकी विजन की शार्पनेस को चेक करने के लिए वो चार्ट जो है वो देखते हैं। और अगर वो आपकी शार्पनेस कम हो तो फिर आपको कोई ना कोई नंबर का जो है वो चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये जो है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आपको आ सकता है और हर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये टॉपिक, ये जो अभी तक हमने पढ़ा है, दिस इज़
definition and nature of sensation. Now we have to study different sensations and sense organ related to each sensation one by one. So first sensation is the sensation of vision. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि sensations जो हैं वो different categories और types इनकी हैं. इनमें से eye और visual sensation है, auditory sensation means hearing, सुनने की sensation, skin sensation, it is also called cutaneous sensation, skin से related, kinesthetic sensation, taste sensation और organic sensation, olfactory sensation. तो olfactory जो है that is sensation of smell. तो ये सारी जो हैं ये हमने अब वन बाय वन देखनी है. थोड़ा सा मैं आई के बारे में आपको आज बता देती हूँ, लेकिन डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो आई या विजुअल सेंसेशन, 80% ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू सेंसेशन बिलोंग्स टू आई. हम अपनी लाइफ के अपने एनवायरनमेंट और इर्द गिर्द का जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो नॉलेज हासिल करते हैं उनमें से 80% अगर हमने यानी 100 थिंग्स जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है तो उनमें से 80 जो है वो देख कर. तो सेंसेशन 80% ऑफ सेंसेशन इज गैदर्ड थ्रू आईज. दैट्स वाई द आई इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सेंसेशंस. जो बसारत है या विजन है दैट इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ सेंसेशन. यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंसेशन जो है वो विजुअल सेंसेशन है. द सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व इन विजुअल सेंसेशन इज द आई. द आईज हम कह सकते हैं बोथ आईज. एंड इट इज़ स्टिमुलेटेड बाई लाइट. अभी पहले भी बात कर चुके हैं कि लाइट वेव्स जो हैं वो सर्व एज द स्टिमुलस फॉर आवर आईज. Visual sensation is incomplete without eyes. Eyes are encased in orbital cavity and each eye is attached to it with 6 nerves. Orbital cavity का मतलब ये होता है कि ऐसी space, ऐसी जगह, ऐसा खाना या chamber जो कि rounded और orbital form में होता है, यानी जिसके इर्द गिर्द कुछ चीज़ मूव कर सकती है. ये एक rounded कैविटी होती है जिसमें हमारी आईज जो है वो एनकेस्ड हैं, रखी हुई होती हैं, बंद होती हैं, और हर आई जो है वो 6 नर्व्स के साथ सपोर्टेड होती है. और एडिशनली नर्व्स के साथ ही कुछ मसल्स भी होते हैं जो आई बॉल की मूवमेंट को और लेंस जो आँख के अंदर होता है उसकी मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है वो 3 इसके लेयर्स हैं. देयर आर 3 लेयर्स और कोट्स ऑफ आई जिन स्टडी में इजी करने के लिए या उनके फंक्शंस के हवाले से जो है वो आई की स्ट्रक्चर को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. वन इज़ द आउटर और स्क्लेरोटिक कोट, स्क्लेरा भी कहा जाता है इसको. द अदर वन इज़ कोरोइड कोट और ये मिडल लेयर होती है, दरमियानी जो तह होती है वो होती है. एंड थर्ड रेटिनल कोट, इसको जो है वो इंटरनल द मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट डेलिकेट लेयर ऑफ द आई भी कहा जाता है. तो पहला जो कोट है दैट इज स्क्लेरा और स्क्लेरोटिक कोट. स्क्लेरा मीन्स हार्ड पार्ट, हार्ड या सख्त हिस्सा. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज मेड ऑफ थिक वाइट फाइबरस मटीरियल कॉल्ड स्क्लेरा. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर द फ्रंट ऑफ विच इज ट्रांसपेरेंट. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये स्क्लेरोटिक कोट जो आगे वाला कर्व्ड पार्ट है, प्यूपल के बाहर वाला जो मुड़ा हुआ हिस्सा है जो हमारी आँख की सफ़ेदी भी कहलाता है. दिस इज़ कॉल्ड द स्क्लेरोटिक कोट. और ये पार्ट जो है ये वाइट कलर का होता है, हार्ड होता है. और इसका जो अगला हिस्सा होता है वो ऐसा होता है जैसे ग्लास हो. जैसे आप देखें कि खिड़की होती है ना, खिड़की जो है वो लकड़ी की बनी हुई होती है, लेकिन खिड़की का आगे जो सेंट्रल पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ होता है उसमें. तो ऐसे ही स्क्लेरा जो है वो वाइट होता है, लेकिन उसका जो कर्व्ड अगला पार्ट होता है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट. द ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑफ स्क्लेरोटिक कोट इज़ नोन एज कॉर्निया. ये आपको कॉर्निया नज़र आ रहा है यहाँ पर. तो ये जो उसका कर्व्ड पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड कॉर्निया. दिस पार्ट इज़ अ बिट कर्व्ड, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है.
द कॉर्निया इट्सेल्फ इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, ये एक झिल्ली की तरह होता है, फ्लेक्सिबल होता है लेकिन बहुत नाजुक भी होता है। इट्स कर्व इज सस्टेन्ड बाई एक्विस ह्यूमर बिहाइंड इट। अब ये कर्व जो है वो कैसे कायम सस्टेन, कहते हैं कायम रहना, कैसे कायम रह सकता है कि उसके अंदर, इसके पीछे एक फ्लूइड होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्विस ह्यूमर। ये आपको कॉर्निया के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आगे कॉर्निया है, इसके पीछे कुछ पानी भरा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक बलून में पानी भरें तो वो गोल शक्ल का हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा, लेकिन अगर पानी निकल जाए तो वो फ्लैट हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक ख़ास किस्म का जो फ्लूइड है वो फिल्ड होता है ताकि जो कॉर्निया है उसकी कर्व्ड शेप जो है वो बरकरार रहे। तो इट दिस फ्लूइड इज़ कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ह्यूमर फ्लूइड को कहते हैं, एक्वा भी फ्लूइड को ही कहा जाता है, तो एक्वस ह्यूमर। अ वेरी थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द कॉर्निया इज कॉल्ड कंजक्टिवा। कॉर्निया के ऊपर एक बहुत छोटी सी बारीक सी डेलिकेट सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है, उसके ऊपर होती है, ऐसे ही जैसे आप का ये जो फ़ोन है उसके ऊपर आप प्रोटेक्टर लगा दें, तो पहले जो प्रोटेक्टर होते थे वो इसके पेपर के प्रोटेक्टर हुआ करते थे, पतला सा पेपर, तो वो उसी तरह की एक झिल्ली होती है जिसको कंजक्टिवा कहा जाता है। दिस मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया जो है उसके अंदर जो खुद ब खुद मूवमेंट्स हो रही होती हैं उनको हेल्प आउट करती है ये बारीक झिल्ली और उनको ईजी बनाती है। तो आज के लिए जो है वो हम बस एक ही कोट पर ही फोकस करते हैं, और जो है बाकी दो लेयर्स के बारे में फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ताकि और फिर ज़ाहिर है शुरू से ही इसको शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो है वो आप एक लेयर को समझ लें थोड़ा सा, और यानी ये आउटर कोट जो होता है वाइटर इन कलर होता है, और ये जो है कर्व्ड होता है, और इसका जो फ्रंट एरिया है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक होता है, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है जो कि जिसका नाम है कंजक्टिवा। तो ये जो है ये इसकी मूवमेंट जो होती है कॉर्निया की उसको पॉसिबल करती है। कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट जैसे मैंने बताया होता है, तो एज के साथ साथ जो है ये समटाइम्स इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लूज़ हो जाती है, यानी वो मध्यम धुंधला हो जाता है। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम होता है, जो बहुत डस्ट में रहते हैं, धुएँ और गर्द में काम करते हैं, या ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ धुआं और गर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो है ये हमारे जो ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ कॉर्निया है उसको धुंधला देता है। तो उसके लिए फिर जो है वो ट्रीटमेंट मौजूद है, इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी किसी और इंसान का जो जिसकी डेथ हो गई हो तो उसका कॉर्निया रिमूव कर लिया जाता है, यानी ग्लास यानी उतार लिया जाता है और उसको सेव कर लिया जाता है, और वो फिर एक हेल्दी इंडिविजुअल जो जिसकी ये कॉर्निया ठीक नहीं है उसको ये ट्रांसप्लांट यानी वो लगा दिया जाता है, तो उससे फिर वो धुंधला हिस्सा जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, काफ़ी अरसे से जो है ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कॉर्निया होती है और सक्सेसफुल होती है। तो बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गर्ल्स।